आप समझ लो कि चाइना का चाइना है, मतलब वहाँ पर सब कहते हैं इफ यू वांट लो क्वालिटी कम टू यू, वी डोंट सेल क्वालिटी हियर, तो सस्ती चीजों को ये जितने भी आपने डॉलर स्टोर स्टोर है ना ये सब इबू से सामान लाते हैं। इबू इज द सिटी। हां इबू इज द सिटी, वाई आई डब्ल्यू यू। तो वो इबू में मैं कहता चला जो दिल्ली के सी क्लाइंट चीज था मेरे साथ, चल दिल्ली के सी था क्या, जब दिल्ली के सी गया वहाँ पर पूरी सड़क हर हर वो जो था रेस्टोरेंट उसके बाहर टबों में केकड़े छू यानी कॉकरोच छिपकलियाँ मेंढक बंदरों का दिमाग वो को नहीं पड़े हुए ठीक है। और वो कह मुझे कहता कौन सी दिल्ली के सी पसंद करेगा, यार बात सुन मेरा पेट भर गया, मुझे तो विदाउट दिल्ली के सी खिला दे, अनडेलीगेट कहूँगा मुझे ये दिल्ली के सी नहीं खा रही, लेकिन वो यूं उठाते थे और उठा के और फिर कॉकरोच तो वो टेस्ट वो कहते थे अच्छी क्वालिटी और यूं उठा के नो दिस इज नॉट गुड आपको ये ग्राहक क्यों आ रही है, क्योंकि आप इसके यूज टू नहीं हो। एक बात समझना ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कौन खाते हैं भेजा फ्राई? तो मंस खाते हैं, मैं खाते हैं, बहुत यम्मी है। अच्छा सुनो ना ये वही पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। इस पॉइंट को आप लोगों ने समझ लिया आपको लोगों से दुनिया से आसपास की चीज़ों से नफरत खत्म हो जाएगी। देखो आपके लिए डिसगस्टिंग है, उनके लिए आपके लिए सुअर खाना डिसगस्टिंग है, उनके लिए गाय खाना डिसगस्टिंग है। किसी का हीरो किसी का विलन होता है। माय पर्सपेक्टिव इज यू शुड हैव डुअल लेंस ग्लासेस, यहाँ से एक तरफ बाहर नजर आए दूसरी तरफ अंदर नजर आए, अब वो डिस्गस्टिंग नहीं लगेगा। हाँ मेरा मजहब मुझे नहीं अलाउ करता, हराम है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्गस्ट एंड हराम। हम लोगों ने उसको कंबाइन करके नफरत में डाल दिया। तो मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि आपको ये चीज नहीं, आप ये क्राहत का इजहार शो कर रहे हो ना, क्रैब है, कभी क्रैब खाया? हम लोग स्पेन में बैठे थे, मेरी बेगम मैंने बड़ा राजी करके ले गया कि ऑक्टोपस खाएंगे, बेगम ने कहा अच्छा चलो ठीक है। वो ऑक्टोपस आया वो गोंद की तरह होता है ना, बिल्कुल गोंद की तीजा की तरह, ये सख्त गोंद समझ लो ठीक है। तो वो मैंने उठा कर पहला बाइट गया यार, अच्छा मुझे वो गुद्दे वाली बढ़नी है, वैसे गुद्दे की हड्डी होती है वो मुझे बड़ी पसंद है, गुद्दा तो मैं वैसे ही बड़ा खाता हूँ, तो मैं खाई गया। अच्छा मैंने बेगम की वजह से ज़्यादा मंगवा लिया, हैवी बहुत होता है, तो बेगम ने दो बाइट ली, उसके बाद कहती है कि मैं नहीं खा रही है मुझे कुछ और मंगवा के दे, मैं कहता तो ये सारा कौन खाएगा, कहते आप। अच्छा फिर ये कल तक का खाना है मेरा, लेकिन इतना टेस्टी है, इतना क्या हो गया मुझे चिपक गया ना उसके साथ और मैं सुशी नहीं खा सकता, वो सुशी जो लाइव असल सुशी यहाँ पाकिस्तान में सुशी मिली, असल सुशी नहीं है में तो लोग क्रेजी हैं उसके, वो तो कच्ची वो कच्ची फिश होती है। हम लोग दुबई में थे फर्स्ट टाइम, तो हमारे मेरी शहर की वेलकम फेयरवेल पार्टी थी, उसमें उन्होंने सुशी की पार्टी रखी हुई और वो सारे बड़े मजे में से सुशी खाए, मैं देखो अच्छा मैंने सब्जी वाली सुशी उठाई खाई, सब्जी वाली खा लो। मैंने पहली दफा खाई मुझे बड़ी अच्छी लगी, अगले दिन मैं अपनी दूसरी भाभी के घर गई तो कहती लोग कच्ची मच्छी कैसे खा लेते हैं, मेरा दिल क्या मैं पास्ट में जाऊं और उल्टी करके वापस आ जाऊं प्रेजेंट में, पता नहीं चलेगा मच्छी तो कह रही है सुशी, तब इतनी फेमस भी नहीं थी आज से 8 साल पहले, मैंने कहा हाँ सुशी है कोई चीज मैं खा रही हूँ, खा गई। अगले दिन जाके कहती पता नहीं लोग कच्ची मच्छी कैसे खा, अरे कच्ची मच्छी। अब ये जो बात इसने की है ना, ये अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ योर ब्रेन वर्क्स। मैं मेरा ख्याल है उस वक्त 5 या 6 साल का था, हम लोग लाहौर आए थे, मेरे फोन के पास हम लोग पंडित थे उसमें रहते लाहौर आए, तो हम लोग शालामार बाग गए, शालामार बाग में अब तो मैं बड़ा अर्सा हो गया उसके बाद बड़ा जिंदगी में नहीं आऊँ, फुहारे थे सेंटर में और सेंटर पे वॉक आ रहे थे। अच्छा वो फुहारों के अंदर वहाँ काई जमी हुई थी और वो काई जम के ना वो बिल्कुल ग्रीन बना हुआ है, एक्चुअली घास नहीं थी वहाँ पर, काई थी ठीक है। तो मैं हम लोग बच्चे शरारतें कर रहे थे, मेरी कज़न नेल पॉलिश लगाती थी, वो
वो सारे एज ग्रुप था, तो बच्चियों को पता था ईद के दिन थे, ईद मिली थी रेल पहुँच थी, मैंने उनकी रेल पहुँच उठाई और मैं भागता। अब वो सारी मेरे पीछे पीछे, माशाल्लाह मेरे गुप्पों की छः बेटियाँ हैं, तो वो सारी मेरे पीछे पीछे, मैंने उनकी अच्छा मैं आया कभी यूँ, अच्छा मुझे मेरा नाम रखा था डिंकी, क्योंकि मैं काबू नहीं आता, मैं यहाँ से निकला यहाँ से निकला यहाँ से निकला, मैं था बड़ा इस मामले में स्पोर्टी, तो वो यहाँ से निकल गया यहाँ से निकल गया, उन्होंने कहा यार ये डिंगी की तरह भागता है काबू ही नहीं आता ये। अच्छा वो लड़कियाँ सारी मिल गई, तो कसम जो था ना मेरा उनका भाई बड़ा, उसको कहा अच्छा चल मैं पकड़ता हूँ, वो आया ना जैसे अच्छा मेरे पास इधर ये लड़कियाँ खड़ी हैं इधर वो खड़ी हैं, सेंटर में फौरा है, अब आई हैड नो ऑप्शन, तो मुझे फौरे के अंदर से निकलना था, मैं जैसे ही फौरे के अंदर गया हूँ स्लिप हुआ, मेरा सर जाके ये पीछा लगा उसके ऊपर फौरे के मोजल के ऊपर, ठीक है, और सब मेरा फट गया, मुझे निकल मैं वहाँ से निकला उठा भागा, उनके नहीं में काबू आया। खाने के ऊपर आके हम बैठे हैं, तो खाने में बैठे ना मुझे कहीं पीछे ब्लीडिंग हो रही, तो मैंने ना अबू का वैसे मैंने मुझसे कभी अबू साहब बैठे हुए थे मेरे रूम वाला जनरल सीख करें, तो अच्छा मुझे कहने लगे उन्होंने मेरा हाथ देखा ना हाथ लाल था, तो मुझे कहते हैं अली नेल पॉलिश ज़ाया कर दी तूने सारी इन बच्चियों की, नहीं नहीं अबू नेल पॉलिश तो मैंने दे दी वापस, तो कहते फिर लगी हुई कहते हाथ पे कैसे लगी हुई है, मैं कहूँ वो मैं ऐसे जब यूँ हाथ मारता हूँ ना पीछे तो यहाँ से लाल रंग निकलता है, दिखाओ पीछे सर फटा हुआ है। अच्छा उससे पहले मैं बता रहा हूँ, उससे पहले मुझे कुछ नहीं था, कैसी अबू ने कहा तेरा सर फट गया, मेरा 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 सर फट गया। अच्छा इसलिए एक बार मुझे ना एक तंबूरी काट गई, मैं घर में था तो तंबूरी से मेरा बड़ा इश्क है येलो यार वो मुझे काटा। अच्छा मैंने पूरे घर का तवाफ किया, सात चक्कर लगाए, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, सात चक्कर लगाए, कोई इशारे ये कोई मुझे पकड़ ही ना सके, अब वो आगे से रोके मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं कहा नाराए तकबीर अल्लाह अकबर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जो मुझे आता था मैं कही गया, मैंने कहा भाई उसके बाद फिर मैंने वो बाद में हमारे मौलवी साहब ने वो आयत सिखाई मुझे भाई अपने लैंग्वेज पैटर्न्स को चेंज करो, मुझे होता है वो आपका माइंड कहता है इसको होता है, वो सारी जिंदगी होता रहेगा, मैं मीट नहीं खाती हूँ माइंड कहता है मीट नहीं खाना, मैं खा ही नहीं सकती ना। हाँ तो यही खा ही नहीं सकती थी, मैं खा नहीं सकती थी, वैसे आपस की बात है मैं भी मीट नहीं खाता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ऑफिशियल हो जाता है, मैं ईद पे एक मतलब महीने में दो महीने में एक बार एक दो बोटियाँ लेके चकली रेड मीट मुझे, देयर इज नो हार्म इन दैट, कोई आपने कुछ यू नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, ये मैं बता रहा हूँ, यू नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, मीट खाना कोई फर्ज नहीं है, फर्ज नहीं है, नहीं खा सकती फिश का जहाँ पे वो ब्लैक पार्ट आता है, फ्राई अच्छी हुई हो तो ठीक है, वो ब्लैक पार्ट तो मैं वैसे देख के मैं नहीं खाती फिश, पता नहीं फ्राई तो वैसे ही नहीं खानी चाहिए, फ्राई खा लेते हैं, नहीं वैसे बताओ तो ये एनएलपी में हमारा एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं चेंजिंग लाइक्स टू डिसलाइक्स एंड डिसलाइक्स टू लाइक्स, एक टेक्निक है हमारी, ठीक है, तो कोई ऐसी चीज जो आप इसको छोड़ना चाहती हो? मैं एक्स वाई को क्यों नहीं क्योंकि वाई जनरेशन मेरे पे उस पे नहीं आती डेविल एक्स मेरी जनरेशन है उसके और टैक्स दोनों फिर तो उसमें ये जब आप कभी एनएलपी इंशाल्लाह करोगे ना तो उसमें यू विल अंडरस्टैंड ये चीजें यू चेंज हो जाती हैं बिल्कुल आपके बचपन के दिनों के ऐसा वाक्य है हर चीज इज लिंक्ड टू समथिंग हैपनिंग इन योर फर्स्ट 7 इयर्स ऑफ योर लाइफ आपकी मदर को कोई इशू होगा आपके कोई आपके साथ इशू हुआ होगा आपने किसी को फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड नहीं देख सकती इसको अभी याद नहीं है मैं इसको अगर अभी हिप्नोटाइज करूँ शी विल रिमेंबर द फर्स्ट टाइम शी सॉ बकरे की कुर्बानी होते हुए उसने देखी होगी ठीक है और वहाँ पर इसका वाक्य हुआ होगा जहाँ से ये गांव तो मेरी एक क्लास फेलो थी हम लोग बस पे आया करते थे वो काफ़ी रिच थी तो वो उसके पास करोला थी गाड़ी उसके अब्बा की तो वो उससे आती थी मोटरवे से एनसी आती थी उसे गाड़ी से मुझे याद आया वो कल मेरा लड़का मुझे पूछता है सर ये वैसे मैडम से पूछिएगा ये ट्रक का भी स्टीयरिंग इतना हार्ड नहीं होता ये कैसे चलाती है
मैंने कहा ये पावरफुल स्टीयरिंग है, ये पावरफुल होगा ना चलाने के लिए। सॉरी नहीं, वो स्टीयरिंग ऑयल डालना भूल जाती हूँ, इसलिए उसकी बेचारी की हालत ऐसी हुई है। अच्छा तो वो मैं बता रही थी कि वो मोटरवे से आती थी, कि वो जोहर टाउन रहती थी तो उसको मोटरवे से बहुत शॉर्ट कट पड़ता था। तो वो सुबह 8 बजे 9 बजे की क्लास थी और वो 8:30 बजे वो मोटरवे पे ना उसकी आँख लग गई और उसका ये सारा चेहरा जो है ना, वो बहुत क्लोज फ्रेंड थी तो ये सारे निशान भरे हुए। एक्सीडेंट हुआ? हाँ एक्सीडेंट हुआ, शीशा लग गया। वो अलग बात है कि उसकी मदर को बड़े अच्छे तेल वेल बनाने आते हैं, उसके मुँह पे एक दाग नहीं, उसी वक्त ही एक महीने के अंदर दाग खत्म हो गए। लेकिन ये कि वो ऐसा इंप्रेशन हो गया ना उसके, ऐसा इंप्रेशन उसका ट्रॉमा था मेरे ऊपर इस तरह बैठ गया कि मेरे भाई ने मुझे गाड़ी लेके गाड़ी गिफ्ट की है जो जिसका स्टीयरिंग तो उसने मुझे गाड़ी गिफ्ट की और इस गाड़ी को गिफ्ट किए हुए भी कोई 5 साल हो गए, लेकिन 6 साल हो गए, 5-6 साल, लेकिन मैं चला सिर्फ 1.5 साल से रही हूँ। वो भी मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बहुत ज्यादा पुश किया। गाड़ी के ऊपर मैं तरस आता है वैसे। गाड़ी बहुत बुरी हालत में है ना, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं थी। अच्छा। मेरे भाई के फारिक पड़ी थी, उसने रेंटे पे छोड़ दी, कहता तुमने तो यूज नहीं करी, रेंटे कार पे लगवा रहा हूं। सो कैन यू इमेजिन कि गाड़ी के साथ क्या हुआ होगा, इतनी जबरदस्त गाड़ी थी। खैर एनीवे, सो वो क्या हुआ कि अब वो जब जिस दिन मैंने पहले दिन गाड़ी चलाई है ना, वो मैंने इस तरह चलाई है कि मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रही है, मुझे घर से बाहर निकलना है और मेरे पास कोई और हल नहीं है, बारिश हो रही है फुल फेस, ऊबर वगैरह नहीं अवेलेबल। अब मैंने क्या किया कि मैंने स्टीयरिंग पकड़ा और उसने मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा तो मेरे साथ कॉल करो। आहिस्ता 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 वहाँ से आगे से मॉडल टाउन में मैं रहती थी तब, तो वहाँ पे सी ब्लॉक जाना था, वहाँ पे एक आगे मेरे एक ट्रक था जो जिसको उन्होंने रस्सी लगाई हुई थी पीछे गाड़ी, तो बस मुझे आज़ादी होगी, मैं उसके साथ साथ ऐसे चलती रही जैसे मेरी मजबूरी है कि इसको चल रहा था। तो मैं जब उसके घर के पास पहुँची तो मैं बड़ी, तो वो उसने लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले वो ओइसिस है एक ऑटिज्म का इदारा है जहाँ पे बच्चों को ना ऑटिस्ट बच्चों को, तो वो थेरेपिस्ट नहीं है लेकिन वो थेरेपिस्ट का मैनेजर है, तो वो उनको सबको देखता है, तो वो ऑब्जर्व करता है एंजाइटी और ये सारा कुछ। तो वो पहले इससे पहले वो मतलब मेरे उसके साथ रात 3-3 बजे तक सेशन होते रहे, हम फ्रेंड्स सारे इकट्ठे बैठे हैं, सहरियाँ कर रहे हैं और वो मुझे लाइक मेरे ब्रेन से रिमूव कर रहा है वो मैनेजर कि तुम गाड़ी चला सको। और कि मैं इस पॉइंट तक पहुँची हूँ कि मैं अगर मैं एम ई ब्लॉक में रहती हूँ तो मैंने सी ब्लॉक जाना है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वो मेरे साथ बैठा है और वो मुझे चला के हम लोग उधर गए गोलगप्पे खाने, वो कहा माल रोड, और उसने कहा व्हाट इज़ दिस, ये गाड़ी है क्या हो गया है, रॉकेट साइंस नहीं है। फिर उसने कहा घर चली जाओगी जो मैं छोड़ दूँ, मैंने कहा नहीं मैं हौसला करूँ। So, इस तरह मैंने गाड़ी चलाई। पहले 7 साल में तो मेजॉरिटी जीते हैं, लेकिन इस तरह के भी ट्रॉमेटिक इवेंट जिंदगी में कभी हो जाए तो वो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये कि अगेन उन सारी चीज़ों को निकाला जा सकता है। द गुड न्यूज़ इज दे आर ऑल क्यूरेबल इवेंट्स। फिर मैं कुछ कहूँगा तो फिर तुमको कि आप साइकोलॉजी और एनएलपी की झगड़ा शुरू हो गया। तो एनएलपी में हम लोग जो है हमारे पास कुछ फिक्सेस हैं, बिकॉज वी बिलीव इन वन थिंग, वी बिलीव इन के को एग्जिस्टेंस। तो मुझे वो लगता है जैसे वो बहुत क्रीपी है और अगर वो मेरे पास आएगी तो मैं भी बिलीव हो जाऊंगी। एग्जैक्टली 7 ईयर्स मेरी बहन ने मुझे कहा था कि अब तुम्हारे ऊपर छिपकली गिरी है, अब तुम्हें 3 दिन मुसलसल जो है ना बार बार नहाना पड़ेगा वरना तुम तुम्हारी नमाजें नहीं होंगी। तो उसके बाद से बस मुझे इशू शुरू हो गया। कितने मजे से बता रही हूँ, ये मुझे अचानक से क्लिक किया कि वो हमारे यहाँ इंस्टॉलेशन कैसे हो रही होती है। बहन ने कहा तुम पे ये गिरी है, तुम्हें अब 3 दिन तक ये करना पड़ेगा, अब ये बच्चे के अंदर कंफर्म हो गया कि यार ये चीज़ तरह है, ये इंस्टॉलेशन है, तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकती, तुम ये खाना अच्छा नहीं पका सकती,
उस तुम्हारी रोटी कभी गोल होती ही नहीं, कभी रोटी गोल होगी ही नहीं। हम इंस्टॉलेशंस कैसे कर रहे हो? नहीं मतलब एडवर्टाइज कर तुमको ऐसे ऐसे करो।